शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में शहर के मेडिकल अस्पताल में रोजाना कोरोना पेशेंट दाखिल हो रहे हैं। एक और कोरोना का संक्रमण तो दूसरी ओर मेडिकल के ट्रामा सेंटर में काम करने वाले सफाई कर्मचारी रोजाना कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। पिछले एक साल से पूरा देश इस महामारी के गिरफ्त में है। एक साल पहले जब ये कोरोना दाखिल हुआ था तब से महाराष्ट्र के साथ ही शहर के डॉक्टर एवं अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी भी रात दिन काम कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने इन सभी को कोरोना वॉरियर्स की उपाधि दी है, मगर ये बात शहर के मेडिकल प्रशासन भूल गया है। पिछले 7 महीनों से मेडिकल के कोरोना विभाग में काम कर रहे सफाई कर्मचारी अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। ट्रामा सेंटर में काम कर रहे एक कर्मचारी ने हमारी टीम को फोन द्वारा जानकारी दी कि मेडिकल प्रशासन को सरकार ने दिए नियम भूल गई है। सरकार ने कहा है कि कोरोना काल में सभी की ड्यूटी कोरोना विभाग में लगाना है, मगर मेडिकल के स्वच्छता विभाग में काम करने वाली भाटिया नामक महिला की अभी तक कोरोना विभाग में ड्यूटी नहीं लगाई गई। तो आइए सुनते हैं उन्होंने हमारे प्रतिनिधि से क्या कहा। तकलीफ ये है कि 2019 से स्वच्छता निरीक्षण जो भाटिया मैडम है, ट्रामा जो सेंटर है जहाँ पे कोविड के पेशेंट रखते हैं, वहाँ पे पद के लिए एक स्वच्छता निरीक्षक यानी कि सेंट्रल इंस्पेक्टर को दिया गया है काम की देखभाल करने के लिए, कर्मचारियों से काम करवाने के लिए। तो इसके पहले अपने सालनकर साहब अभी उन्होंने 7 महीना वहाँ पे कोविड में ड्यूटी की है ट्रामा में, कर्मचारियों को काम वगैरह बताना और उनसे काम लेना। तो अभी फिलहाल वो बीमार गिर गए। उनके पहले फिर वो देवड़वार साहब थे, उन्होंने वहाँ पे कोविड में ड्यूटी किया, उन्होंने भी कर्मचारियों से काम लेना, काम बताना। और भाटिया मैडम, जब शासन का नियम बना है कि हर व्यक्ति को कोविड में ड्यूटी दिया जाए करके, तो स्वास्थ्य निरीक्षक निशा भाटिया है, उनकी अभी तक की ड्यूटी नहीं लगी। मांग यह है कि उनकी ड्यूटी लगाना चाहिए, क्योंकि हम भी सफाई कर्मचारी है, हमारी भी जो माता बहने वो कोविड में ड्यूटी करी है, तो उनकी वो स्वास्थ्य निरीक्षक की ड्यूटी क्यों नहीं लगाया जा रहा है। इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो मेडिकल विभाग ने इस पर कार्रवाई कर बाकी कर्मचारियों को न्याय देना चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, VCN न्यूज़ नागपुर।